अभी हम मौजूद हैं सिंधु दरिया में और जिसे अल मंजर भी कहा जाता है। ये हमारे अकील भाई जो अभी कश्ती को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये भाई राम 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 राम। तो ये भाई चप्पू चला रहे हैं। जनरेटर मतलब खराब हो चुका है या बंद हो चुका है भैया, क्या हुआ है? वो शेरू है, वो गधे की तरह भाग रहा है और ये घोड़ा होकर भी गधा बना। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ चुके एक नई लोकेशन पे जिसे सिंधु दरिया कहा जाता है और यहीं पे जो है ना बहुत ज़्यादा लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बोट में बैठने वाले हैं और दूसरा घुड़सवारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पानी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गहरा है, तो अब हमारी जो नैया है ना वो राम के भरोसे है और ये यहाँ पे हम उतरे हैं चौक के पास ही, जो छोटी सी शॉप बनी हुई है। तो इस भाई से पूछा हमने कि आगे की तरफ जाओगे तो आपको बोट वगैरह मिलेगी, तो मैं और रणबीर भाई जा रहे हैं आगे, तो देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। ये अल मंजर का व्यू है और यहाँ पे भी ज़्यादा जो है फास्ट फूड ही मिलता है। और अब आपको जो है किनारे पे जाके दिखाते हैं भैया कश्ती, तो देख लो भैया यहाँ पे जो सेल्फी सिस्टम भी चालू है और यहाँ पे बोट्स वगैरह भी खड़ी हैं जो कि आपको लेके जाती है इस सिंधु नदी के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पुल के पास में पानी का बहाव बहुत तेज़ है और यहाँ पे कश्ती डगमगा रही है, तो हमारा जो हार्ट बीट है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमने सोचा है कि हम दूसरी साइड पे जाते हैं जहाँ पे पानी थोड़ा कम है, तो वहाँ पे जा रहे हैं इससे पहले कि हमारी नैया डूब जाए। तो नैया चेंज कर लेते हैं भैया, चलते हैं दूसरी साइड पर भैया जहाँ पर पानी वगैरह कम है थोड़ा सा। तो अल मंजर का भाई मंजर ही देख के ना दिल थोड़ा सा जो है धड़क उठा है हमारा। तो भाई इसके अंदर कितना पानी गहरा है या कोई पता नहीं? बहुत ज़्यादा गहरा है, तो भाई बोल रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहरा है। तो ये भाई ऊपर से व्यू है इसका, देख लो कितनी मतलब के सुंदर सुंदर व्यू लग रहा है भाई। तो आज से पहले ये आपको किसी ने भी नहीं दिखाया होगा जो चीज़ें हम कर रहे हैं। यहाँ से उतना भी एक चुनौती है, आ जा यार कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये देख लो यहाँ से उतना ना बहुत पंगा है ये देखो, पर कोई नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये है सिंधु नदी जिसका आज हमने आपको विज़िट करवाया। तो फ्रेंड्स, हम दोनों एक ही कश्ती में बैठने वाले, पहले हम माइंड बना के आए थे कि अलग अलग बैठेंगे, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा देख के ना थोड़ा सा अलग ही हो गया माइंड हमारा, तो एक ही कश्ती में बैठने वाले हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। कितना किराया? 600। भाई बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है ये तो। इसी बात नहीं, मोटर कश्ती है, आपको चक्कर भी अच्छा रहे, टफनी भी अच्छी कर रहे हैं। चक्कर तो हमें अभी से देख के आ रहे हैं। बात नहीं भाई, अच्छा। हमारे आप नहीं तो कोई बात नहीं, आ जाओ चक्कर आपको अच्छा लगेगा। चक्कर तो है लेकिन प्राइस भाई बहुत ज़्यादा बता रहे हो आप। भाई यहाँ पे अभी रश कम है या वैसे लग रहा है? नहीं आज रश कम है, पानी है ना। अच्छा, पानी अभी उतरा है सैलाब का। अच्छा, पानी अभी सैलाब का उतरा है, इस वजह से। अकील भाई का नाम है और ये भाई अब हम बोट की तरफ ले जा रहे हैं, तो कुछ उम्मीद है कि डिस्काउंट देंगे क्योंकि भाई हमारे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम 15-16 घंटे का सफ़र करके फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँचे हैं पंजाब प्रीमियर खान से सर। तो ये हमारे अकील भाई जो है ना वो अपनी बोट को पास लेके आ रहे हैं, फिर इनसे जो प्राइस वगैरह भी फाइनल करते हैं। और ये पानी का देख लो, पानी कितने जो ना उछल रहा है। फ्रेंड्स, अकील भाई के साथ थोड़ी सी प्यार मोहब्बत के साथ बात करने के बाद भाई मान चुके हैं 300 रुपये में, तो अब 300 रुपये में देख 350 रुपये में 350 में भाई जो है ना हमें घुमाने वाले हैं। तो भैया ऐसा घुमाना कि ज़िंदगी भर याद रहे, ठीक है? तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब के मुझे देख के कश्ती पे? उम्मीद है कि अकील भाई हमें घुमाने वाले। भाई कहाँ से घुमाने वाले हो? तो ठीक है भाई, अकील के साथ, अकील भाई के साथ अभी हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। तो ये हमारी कश्ती है और ये हमारे अकील भाई है। तो ये हमारे अकील भाई जो अभी कश्ती को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये भाई राम 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 अलग ही लेवल का होने वाला है। ये हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र जो है वो ठीक ठाक तरीके से जो है ना वापस आने वाला है। तो ये हमारे जो है वो भाई इसको क्या बोलते हैं? चप्पू। तो ये भाई चप्पू चला रहे हैं और हमारी कश्ती जो है वो अभी अंदर जाती आ रही है। तो अभी हमारे अकील भाई जो है ना वो जनरेटर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जनरेटर स्टार्ट हो चुका है और ये भाई ने जो है ना पंखा पानी के अंदर डाल दिया है और ये इस तरफ जो है। तो भाई ये क्या हैंडल है? ये स्टीयरिंग है, समझो कि स्टीयरिंग ये है। लिविंग लाइफ एवरी डे लेट इट डाई। काफ़ी जो है ना दरिया के अंदर आ चुके हैं।
लो भैया यहाँ का व्यू, और पानी आगे बहुत ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। तो भैया बंद हो गया? बंद किया है मतलब आपने? नहीं चल रहा है। अच्छा चल रहा है लेकिन स्पीड स्लो की है भाई ने, क्योंकि दूसरे साइड पे जा रहे हैं ना भैया। तो फ्रेंड्स ये आज हमारा अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है फर्स्ट टाइम लाइफ में, और मज़ा आ गया है। तो देख सकते हो अभी ना ये यार जनरेटर मतलब खराब हो चुका है या बंद हो चुका है। भैया क्या हुआ है? कुछ अच्छा, भी नहीं हुआ भैया, दिल थाम अच्छा, के बैठो। डरा रहे हो यार। तो भाई हमारी कश्ती जो है ना अब राम के भरोसे है भाई, ये हमारे अकील भाई है, बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। और जब भी आप यहाँ पे आओ तो हमारे अकील भाई को याद रखना बिल्कुल प्यार से और सुकून से, और जितने पैसे आप बोलते हो ना उतने पैसों में मान जाते हैं, और कोई भी नहीं मान रहा था, हमारे अकील भाई मान चुके हैं और बड़े प्यार से जो ना हमें लेके जा रहे हैं नाव के अंदर। तो ये देखो भैया, तो ये हमारा स्टेरिंग है। तेज पानी में पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तेज पानी के अंदर मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है, स्लो पानी के अंदर मछली नहीं आती। तो ये देखो भाई इवनिंग सनसेट का टाइम हो चुका है। Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm. So friends, अभी हम मौजूद हैं सिंधु दरिया में, और जिसे अल मंजर भी कहा जाता है, जो कि हैदराबाद से थोड़ा सा आधे घंटे के फासले पे पड़ता है, और हमने अकील भाई ने सेफली जो है वो अभी किनारे की तरफ ले आए हैं। तो ये देख सकते हैं भाई ने जो है अपना जनरेटर बंद कर दिया पंखा, और अभी हम किनारे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी बोट्स भी देख सकते हैं, कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, और हम जो फाइनली किनारे पे सही सलामत पहुँच चुके हैं, और अकील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सेफली यहाँ पे किनारे पे पहुँचा दिया। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने नाव का एक्सपीरियंस कर लिया, और पहला एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहा। तो फ्रेंड्स ये है दरिया सिंधु, और यहाँ पे जो है ना लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ भी आए हैं, और कुछ लोग जो है हमारी तरह अकेले भी आए हैं। तो यहाँ पे अभी सनसेट का टाइम हो चुका है। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम बादल है। तो भाई बादल आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, आज रियल लाइफ में भी देख लो, ये हमारे बादल भाई हैं, और दिखने में तो मुझसे बड़े लग रहे हैं। और तो ये बादल है, और इसका भाई क्या नाम है? इसका नाम शेरू है। फ्रेंड्स अभी बादल पे मैं बैठने वाला हूँ, तो इस घोड़े का नाम बादल है, और इस भाई का नाम क्या है, तारक भाई है। तो अब घोड़े पे बैठते हैं, तो यहाँ से भाई ये पैर रखूँ। तो ये फाइनली जो है मैं बादल पे चढ़ चुका हूँ, हमारी जो राइडिंग शुरू हो चुकी है, और इवनिंग का टाइम भी हो रहा है, और साइड से तगड़ा व्यू आएगा। और अब हम जा रहे हैं, काफ़ी भाई मज़ा आ रहा है घोड़े के ऊपर बैठ के, और इस तरफ जो है ब्यूटीफुल व्यू है सिंधु नदी का। और हमारा बादल जो अभी बच्चा है, तकरीबन साल हुआ ना इसको लेके आए हो, साल को भाई इस फील्ड में लेके आए, ये पहले दूध पीता था, अब ये बड़ा हो चुका है। तो भाई ये बादल 5 साल का हो चुका है, ये देखो। तो बहुत अच्छा यार बादल अभी प्यार प्यार से चल रहा है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जंप मारते हैं। काफ़ी पब्लिक ये हुआ है ना, नाइट हो चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। तो वो देखो भाई उसका अलग ही लेवल है, हमारा ऐसा नहीं होगा, हमारा ऐसा हुआ तो हमारी व्लॉगिंग नीचे आ जाएगी और हम ऊपर चले जाएंगे। वैसे करना चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। तो भाई ये खड्डे क्यों बना के रखे हुए हैं? पेड़ पौधे हैं क्या इसके अंदर? ये खजाना है, कुबेर का खजाना। ओहो हो भाई काफ़ी जो है फैमिलीज भी आई हुई हैं। तो ये देख सकते हैं इस अल मंजर का इवनिंग का व्यू। वो शेरू है, वो जो गधे की तरह भाग रहा है, और ये घोड़ा होकर भी गधा बना पड़ा। तो फाइनली अब लैंडिंग का टाइम हो चुका है भैया, ये पैस निकाल दे यार, वो इधर तो निकल चुका है, अब ये लैंड करके फाइनली सेफली। बहुत अच्छा लगता है यार जब नए नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बात करते हैं। तो अल मंजर के मंजर देख लिए हमने। सो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। बाय बाय।